ये हमारे वैक्स के लिए सेटअप है, ये बेस प्लेट है, ये मोल्ड है, ये नीडल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले वैक्स भर देना है इसके अंदर, भरने के बाद इसको हाफ एन आवर ये रखना है कूल होने के लिए रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री पे। उसके बाद में इसको यहाँ पे रखना है, नीडल यहाँ पे फिक्स करनी है, नीडल फिक्स करने के बाद यहाँ पे डाउन बटन दिया हुआ है, तो आपको डाउन करके यहाँ से मैग्नीफाइंग लेंस से इसका जो वैक्स का सरफेस रहता है वहाँ पे टच करवा के इसको छोड़ देना है। उसके बाद में यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट करना है, जैसे आप स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो ये 5 सेकंड में पेनिट्रेट होगा वैक्स के अंदर, 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा और प्लंजर को रिवर्स में ठीक है। उसके बाद जो आपका पीक वैल्यू हो वो यहाँ पे आपका रीडिंग आ जाएगा, ये आपका पेनिट्रेशन हुआ वैक्स का। और जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए हमको मशीन को एक फ्लैट सरफेस पे रखना है, लेवल में रखना है और वो प्लेस वाइब्रेशन फ्री होना चाहिए। ऑटोमेटिक पेनेट्रोमीटर है ठीक है, इसमें हम ग्रीस का टेस्ट भी हो सकता है, बिटुमेन का भी हो सकता है और कॉस्मेटिक का भी अटैचमेंट दे रहे हैं ठीक है। यहाँ पे ये डिस्प्ले HMI टच स्क्रीन है, यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट है, टाइमर और सेटिंग। तो स्टार्ट टेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे अप के लिए है, तो ये आपका जो आर्म है वो अप होता है ठीक है। फिर डाउन करेंगे तो ये डाउन होगा आर्म, ये कोर्स डाउन है और ये फाइन डाउन है। अभी हमारा आपका टेस्ट कौन सा है उसके ऊपर यहाँ पे आपको लगाना है। समझ लो हम फर्स्ट बिटुमिन कर रहे हैं तो बिटुमिन के लिए हमारा ये कप रहेगा, तो यहाँ पे आपको सैंपल भर देना है और फिल करके यहाँ पे नीडल लगानी है। नीडल लगा के यहाँ पे आपका टाइम हमने सेट किया हुआ है, पहले हमको अगर आपका कोई टाइम चेंज है तो यहाँ पे टाइमर में जाके आपका जो भी टाइम है टेस्ट टाइम वो सेट कर देना है। यहाँ पे मैं अभी 5 सेकंड सेट कर रहा हूँ, उसको एंटर करना है, एंटर करके बैक करना है, फिर स्टार्ट टेस्ट में जाना है। अभी मैं जैसे ही स्टार्ट करूँगा ये पेनिट्रेट होगा, तो अभी सैंपल है नहीं तो इसीलिए पूरा नीचे चला जाएगा। तो सैंपल 5 सेकंड पेनिट्रेट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पे आपका पीक पेनिट्रेशन जो भी हो वो यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा और प्लंजर आपका ऑटोमेटिकली ऊपर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अभी हम दूसरा टेस्ट करेंगे, जैसे ग्रीस का करना है तो ये नीडल निकाल देनी है, ये कप पटा लेना है, तो यहाँ पे ये अटैचमेंट दिया हुआ है इसको ओपन करना है और ये वेट रिमूव कर देना है। वेट रिमूव करके इसको वहाँ पे फिर प्लंजर पे लगा देना है, तो लगाने के बाद ग्रीस के लिए ये कौन लगाना है, ये हमारा जो सैंपल है ग्रीस का उसको इसके अंदर पूरा फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे इसको रखना है, इसको आपको सेंटर में जैसे एडजस्ट करना है वो ऐसे यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसको अप डाउन करके ये पॉइंट आपको जो ग्रीस का जो टॉप सरफेस है वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ पर टच करवाना है अप डाउन से। टच करवाने के बाद आपको यहाँ से जो भी पेनिट्रेशन टाइम है आपका वहाँ पे टाइमर में जाके सेट करना है और यहाँ से हमको स्टार्ट ट्रेस करना है, तो ये पेनिट्रेट होगा धीरे धीरे, 5 सेकंड तक पेनिट्रेट होगा, 5 सेकंड के बाद स्टॉप हो जाएगा और आपका जो पीक पेनिट्रेशन है वो यहाँ पे शो करेगा, ये आपका रीडिंग हुआ। अभी हम कॉस्मेटिक का करेंगे, तो कॉस्मेटिक के लिए कौन निकाल लेना है, ये कप लेना है, ये निकाल देना है। अभी हमको ये लगाना है, ये कॉस्मेटिक की नीडल है तो ये डायरेक्टली यहाँ पे लग जाएगी। ये आपका सैंपल कप है, तो यहाँ पे इसके अंदर आपको सैंपल फिलअप करना है, फिलअप करके यहाँ पे सेंटर में रखना है और इसको डाउन करके आपको सरफेस पे टच करवाना है।
सरफेस टच होने के बाद आप यहाँ पे अगर कोई जीरो कोई रीडिंग दिखा रहा है एक्चुअल पेनिट्रेशन में, तो यहाँ से आप टेरा का बटन दिया है ये प्रेस करोगे तो ऊपर का जीरो हो जाएगा। फिर से यहाँ पे आपको पेनिट्रेशन के लिए स्टार्ट करना है, तो ये 5 सेकंड तक पेनिट्रेट होगा, 5 सेकंड के बाद स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के बाद आपको यहाँ पे पीक पेनिट्रेशन वैल्यू आपको यहाँ पे शो करेगा। तो ये कंबाइंड पेनिट्रोमीटर है, बिटुमिन ग्रीस एंड कॉस्मेटिक। थैंक यू।